देखिए कढ़ाई हमने चमकाया है और बहुत ही इसमें मेहनत लगा, और लोहे की कढ़ाई है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इसे हमने राख से और क्या बोलते हो धान वाली जो भूसी आती है वो दोनों से हमने इसे घिस घिस करके देखिए कितना अच्छे से चमका दिया है। और रात में हमने इसमें साग बनाया था, तो साग की वजह से भी और अच्छी कढ़ाई हो जाती है लोहे की। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसमें साग ज़रूर बनाइएगा, और साग बनाने के बाद फिर इसको माजिएगा तो देखिए कितना अच्छा चमक जाता है लोहे की कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए मेरा मेहनत, है ना दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, तो सब्जी बची हुई थी रात की तो वही सब्जी से बना दूंगी सैंडविच। और हस्बैंड जी कहीं जा रहे हैं तो उन्हें खाकर बाहर निकलना है। और ये दीपांश है जो मस्ती कर रहा है हमारे साथ, तो आप लोग उसकी बातें सुनिएगा और इंजॉय कीजिएगा। लेकिन ठीक है, समझो इसे कुछ। और रखो सब्जियाँ, अच्छा रोज कहाँ है लोग। प्याज रखो एक गेथू, और कुछ हो रही पलकवा पालक ही बनाए। मक्खन डालो थोड़ा नीचे, आधा है वहाँ दोस्तों। सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों बैकग्राउंड आवाज आप लोगों को आ रहा है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है तो ये आवाज शाम तक चलेगा, नहीं तो मैं सोचती कि जब ये बंद हो जाएगा तब वीडियो बनाती, लेकिन नहीं बना पाऊंगी क्योंकि ये शाम तक चलेगा टूर्नामेंट। और आज मैं लाई हूँ ये देखिए जुगनी की सब्जी बनाऊंगी। ये जुगनी है और ये मार्केट से हमने मंगाया है, और ये सब्जी मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और देखती हूँ कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, और बताऊंगी आप लोगों को भी कैसा लगा ये सब्जी। तो चलिए बनाते हैं और यही रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों ये दो का ही मैं बनाऊंगी, और इसे हमें काट लेना है, और इसे मैं छील कर बनाऊंगी। चलिए दोस्तों इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कढ़ाई हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें हमने सुबह फ्राई किया था थोड़ा सा चिप्स, तो इसी में हम छौंक लगाएंगे और ये डाल देंगे सरसों का तेल।
तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया है जीरा और एक प्याज हमने काटा था बड़ा सा, तो देखिए प्याज भी हम डाल देंगे और इन सबको हमें ब्राउन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए प्याज और जीरा ब्राउन हो चुकी है। हमने मसाले में लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कलर वाला लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो मसाला हमने डाल दिया है कढ़ाई में और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से पक जाए। तो इसे हमें एक मिनट पका लेना है दोस्तों मसाले को। दोस्तों मसाला हमारा भून चुका है, देखिए अब हम इसमें डाल देंगे सब्जी। और ये सब्जी एकदम से कद्दू जैसा लग रहा है दोस्तों। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और ढक देंगे और धीमी धीमी आंच में इसको पकाएंगे दोस्तों। अगर चाहे तो आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पसंद है टमाटर। बीच बीच में हम सब्जी चलाते रहेंगे दोस्तों और धीमी धीमी आंच में पकाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल से भी आप मत डालिएगा क्योंकि ये पानी छोड़ता है। तो दोस्तों सब्जी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है ये देखिए, और इसे हमने थोड़ा सा करछी से मतलब पीट लिया है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो बस सब्जी रेडी है। आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में।